हेलो फ्रेंड्स, आज जो पढ़ाने लगा हूँ दैट इज लेड स्टोरेज सेल। बहुत सारे सेल्स को इकट्ठा कर दें तो बन जाती है लेड स्टोरेज बैटरी। नाउ ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बिल्कुल लास्ट में है। सो मैं आपको भी ये समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो इट्स अ सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं? जिनको आप रिचार्ज कर सकते हैं। सो मैं इसकी डिस्चार्जिंग की रिएक्शंस वो आज डिस्कस करने लगा हूँ कि लेड स्टोरेज सेल आखिर वर्क करता कैसे है। सो इट्स अंडरस्टैंडिंग लेड स्टोरेज सेल बाय डॉक्टर मनु कौशल। देखिए, ये पहली बात तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो ये लेड स्टोरेज सेल है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब हो गया कि इसने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगी यार, ये तो खुद बैटरी है। सो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह एक्ट करना है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। एनोड बना हुआ है लेड का। सो एनोड इज एट नेगेटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और कैथोड बना होता है लेड के ऊपर। लेड डाइऑक्साइड चिपका होता है, PbO2। सो PbO2 विच इज स्टक ऑन लेड, दिस दिस एक्ट्स एज कैथोड। ये कैथोड एक्ट करता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है दिस एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और यहां पर हमें सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होती फ्रेंड्स। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके मल्टीपल रीजंस हो गए। एक रीजन तो ये हो गया, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट कॉमन है, देयर इज जस्ट वन सिंगल इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, बिसाइड्स दैट, उसके अलावा यहां पर जो भी स्पीशी बनेगी उसने आपस में कंटैक्ट में नहीं आना। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे ग्रेजुअली ये वर्क करेगा तो यहां पर PbSO4, यहां पर भी PbSO4 डिपॉजिट होगा और लेड सल्फेट बनेगा दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, और PbSO4 जो होता है इट स्टार्ट स्टिकिंग टू द इलेक्ट्रोड। तो कोई भी आयन तो बनता नहीं है, सोल्यूशन में जाता नहीं है, कोई चीजें कंटैक्ट में नहीं आती, तो यहां सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब एनोड पे रिएक्शन होगा कैसे? देखिए, एनोड पे हम सब जानते हैं कि जो मर्जी हो जाए, एनोड चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का है चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, एनोड पे होना ऑक्सीडेशन ही है। तो यहां पर जो लेड की इलेक्ट्रोड है दिस अंडरगोज ऑक्सीडेशन, लेड आयंस बनते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दिल रश टूवर्ड्स कैथोड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रश करेंगे कैथोड की तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन्स रश करेंगे तो करंट जनरेट होगा, ये बल्ब है, ये बल्ब जग पड़ेगा जब ये सेल वर्क करेगा। सो लेड कन्वर्ट हुआ लेड आयंस में, ये लेड आयंस सोल्यूशन में आएंगे। अब सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ सल्फेट आयंस पड़े होंगे, लेड आयंस कंबाइंड विद सल्फेट आयंस टू फॉर्म PbSO4। अगर मैं इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को ऐड कर दूं तो लेड आयंस गेट कैंसल्ड, मेरे पास आ जाएगा लेड प्लस सल्फेट गिव्स PbSO4 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो आप ये देखिए कि इक्वेशन ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। एक लेड यहाँ, एक लेड यहाँ, एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। इस तरफ जो ओवरऑल चार्ज है दैट इज -2। लेड न्यूट्रल है, सल्फेट पे चार्ज -2 है, इधर PbSO4 भी न्यूट्रल है एंड दिस चार्ज इज ऑल्सो -2, नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों तरफ ओवरऑल चार्ज और एटम्स बैलेंस हैं। इसका मतलब ये ओवरऑल एनोडिक रिएक्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैथोडिक रिएक्शन की। देखिए, कैथोड पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से गए एनोड से, जो इलेक्ट्रॉन्स गए एनोड से, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल किए कैथोड की तरफ, कैथोड पे लेड डाइऑक्साइड है। तो लेड डाइऑक्साइड में अगर आप लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो फ्रेंड्स यहां लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो लेड यहां +4 में है, इसने 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो लेड विल रश इन +2। उसके बाद बैलेंस करने के लिए यहां ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैंने 2 वाटर का यूज किया, यहां से ऑक्सीजन 2 आ गए। अब हाइड्रोजन यहां 4 हो गए, मीडियम एसिडिक था तो 4H+ आयन मैंने यहां अटैच कर दिए। सो दिस इक्वेशन लुक्स लाइक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब PbO2 भी किसमें कन्वर्ट हुआ है जी, लेड आयंस में, और ये लेड आयंस ये भी कहां आएंगे, ये भी सोल्यूशन में आएंगे। तो लेड आयंस विल अगेन कंबाइन विद सल्फेट आयंस टू फॉर्म लेड सल्फेट। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं फ्रेंड्स कि सल्फेट आयन जो है वो सोल्यूशन में पड़े हुए हैं किसकी वजह से, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। तो PbSO4 जो है वो एनोड पर भी बन रहा है और PbSO4 जो है वो कैथोड पर भी बन रहा है। तो इतना ध्यान रखिए कि लेड सल्फेट जो है इट इज फॉर्म्ड ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड्स, और ये जो PbSO4 होगा ये इलेक्ट्रोड्स के साथ चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के साथ। दिस इज ओवरऑल कैथोडिक रिएक्शन। दोनों इन रिएक्शंस को मैंने ऐड कर दिया, दिस दिस गेट्स कैंसल्ड। तो मेरे पास आ गया 4H+ प्लस PbO2 प्लस सल्फेट आयंस प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स PbSO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब ये ओवरऑल एनोडिक रिएक्शन है, ये ओवरऑल एनोडिक रिएक्शन है और ये ओवरऑल कैथोडिक रिएक्शन है। तो इनको ऐड जब किया, इन दोनों रिएक्शंस को जब ऐड किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स एंड ये इलेक्ट्रॉन्स दे गेट कैंसल्ड।
तो लेड प्लस पीबीओ टू प्लस फोर एच पॉजिटिव प्लस टू सल्फेट गिव्स टू पीबीएसओ फोर प्लस टू वॉटर, ये लिख दिया. नाउ फोर एच पॉजिटिव एंड टू सल्फेट दे कैन फॉर्म टू मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सो ओवरऑल रिएक्शन आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं. तो ये ओवरऑल रिएक्शंस हैं डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल के. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा. देखिए, रिमेंबर वन थिंग, आप जो भी पढ़ते हैं, वॉट एवर यू स्टडी, प्लीज उसको समझ कर पढ़िए, उसको रट्टा मत लगाइए, उसको समझ कर पढ़िए. एंड जो भी आप सीखना चाहते हैं उसको इंटरेस्ट से सीखिए प्लीज. उसके लिए आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपको चीज बेहतर समझ में आएगी. एंड आई हैव रिटन टू बुक्स, मैंने बुक्स लिखी हैं और वो बुक्स केमिस्ट्री बेस्ड बुक्स हैं, एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं उनमें. सो अगर आप उनको लेना चाहें, बाय करना चाहें, तो यू कैन बाय दोज बुक्स फ्रॉम अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट. सो फ्रेंड्स, कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी.